फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी पुलिस से, क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आतिक अशरफ हत्याकांड में नया मोड़ आया है, जहां फरार जैनब और सद्दाम के परिवार ने अब प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस अब बेगुनाहों को प्रताड़ित कर रही है और झूठे इल्जाम में फंसा रही है। जहाँ जैनब के भांजे अल्तमश को घर से पुलिस ने उठाया और उसको बक्सी से गिरफ्तार दिखाया है, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। और साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और विजय मिश्रा और जैनब की मुलाकात को लेकर खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहना है जैनब की बड़ी बहन सबाना का और उनकी बेटी बलीक का। सर, मेरे बेटे के ऊपर ना कोई मुकदमा है, ना कभी वो पुलिस के उसमें, ना कुछ था ही नहीं उसके ऊपर। अब किस उस पर ले गए हैं ये तो हमको नहीं पता। अगर ऐसा होता तो वो कहीं इधर उधर जाता ही नहीं, जाता था, पुलिस जब बुलाती थी वो उनसे मिलने भी जाता था, जब उसको बुलाया जाता था जब वो जाता था। और ऐसा कुछ था ही नहीं कि हाँ उसके ऊपर कोई मुकदमा है या किसी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। तो हम लोग तो ये समझते थे ये बच्चा कोई किसी उसमें है ही नहीं है। और उसको पुलिस ले गई यहाँ से और घर से उठा के ले गई और चार दिन से पता भी नहीं दिए कि हाँ, जब हम लोग पूछने गए कि हाँ भैया मेरा लड़का कहाँ है, आप बताइए कि लड़के को आज कई दिन हो गया भाई कहाँ इधर उधर, बता तो दीजिए, बताया भी नहीं। और उसको मारे पीटे कहाँ क्या की, बस ये पूछ ले गए बस उससे, बस सद्दाम कहाँ, वो मामू है सद्दाम और जैनब खाला है, वो मेरी बहन है, वो मेरा भाई है शबाना। जैनब मेरी खाला है और सद्दाम मेरे मामू हैं, बस उनको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, ले गई और मारा पीटा और कहा कि बताओ सद्दाम कहाँ है और जैनब कहाँ है। और पूछ रहे हैं कि चार दिन तक ले जा कर रखे थे हम लोग, तीन दिन तक लगातार थाना का चक्कर लगाए, पुलिस लाइन गए, धूमनगंज थाना, कोतवाली थाना, पूरा मुफ्ती थाना, बस यही कहते रहे कि यहाँ पर अल्तमश नहीं है, यहाँ पर अल्तमश नहीं है। हम लोग तीन दिन तक लगातार परेशान रहे कि मेरा भाई कहाँ है, कम से कम इतना तो बता दीजिए। इतना तो पता था कि फर्जी मुकदमा लगाएंगे, हमने हर पुलिस थाने पे यही कहा कि मेरे भाई को बता दीजिए कहाँ पर रखा है, ये तो पता था कि फर्जी मुकदमा लगाकर उनको फंसाया जाएगा, बस बता तो दीजिए कम से कम मेरा भाई है कहाँ, फिर भी नहीं बताया, बस यही कहते रहे कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तीन दिन गुजर गया, उसके बाद हमने मेल किया तो शाम में उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया चीफ जस्टिस को। जी, ये सरासर गलत बात है सर, हमें सही पता भी नहीं, जब से यहाँ से निकली हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, ना जैनब खाला से ना ही सद्दाम मामू से कोई कांटेक्ट नहीं हम लोगों का। और सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनके ऊपर। मेरी खाला नहायत सीधी एकदम शरीफ हैं, जब से मेरे खालू जेल गए हैं सिर्फ एक बार खालू से मुलाकात हुई है, और उस खाला के ऊपर ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है कि इन्होंने साजिश रची, जब हम लोग सब खाला के साथ ही रह रहे थे, मेरी खाला मायके में थी, उसके बाद ज़बरदस्ती यही लगाया जा रहा है कि ये साजिश की हैं, उनको इसका कोई पता नहीं, जब वो जेल में बंद थे और खाला हम लोगों के साथ रह रही थी, उनके ऊपर सरासर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मेरा नाम बलीक फ़ातिमा। सर, सरासर गलत, जब मेरी खाला इद्दत में है, इद्दत में किसी के सामने जाते ही नहीं, तो वो कहाँ से लखनऊ पहुँच जाएंगी और गैर महरम के सामने वो कहाँ पहुँच जाएंगी। सर, सरासर गलत है ये। सर, परेशान करती है और धमकी देती है कि सद्दाम को हाजिर कराओ नहीं इनकाउंटर कर दिया जाएगा। पुलिस को सब पता है, फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है, हम लोगों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे लग रहा है हम लोग बहुत बड़े अपराधी हैं। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि मेरे मामा सद्दाम और मेरी खाला जैनब को इंसाफ मिले और उनको ज़बरदस्ती बलि का बकरा ना बनाया जाए, और हम इसी में मेरे भाई अल्तमश को भी फंसा दिया गया है, ना उनके ऊपर कोई मुकदमा है, ना उनके ऊपर कोई केस है, उनको घर से उठा ले जाते हैं और उनको मार पीट कर यही पूछते हैं कि जैनब कहाँ है और सद्दाम कहाँ है, जबकि उनको इस बात का कोई खबर नहीं है, वो घर पर रहते हैं, उसके लिए पूरा गांव गवाह है, वो एकदम सीधे नहायत शरीफ हैं।
नगरी प्रयागराज जहां हर कोई अपने तरह से स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में जुट गया, तो वहीं आज संगम सेंट आर्ट के आर्टिस्टों ने जहां संगम तट के वीआईपी घाट पर एक सेंट आर्ट बनाया। सेंट अनोखे सेंट आर्ट के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। चंद्रयान 3 का नक्शा बनाकर बधाई दी और कहा कि अगर हमारा चंद्रयान 3 सक्सेस होता तो हमारा भारत सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है आर्टिस्टों का, आइए दिखाते हैं। हम लोगों ने अपने टीम के माध्यम से एक सेंट आर्ट तैयार किया है जो कि स्वतंत्रता दिवस पर है। हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस पर आज कुछ एक अनोखा क्रिएटिविटी किया है अपने सेंट आर्ट के माध्यम से, और आज हम लोगों ने चंद्रयान 3 का एक मॉडल बनाया है। और हम लोगों ने एक ये उद्देश्य देना चाहा कि भारत अपना स्वतंत्र पहले से ही है, और अब जो चंद्रयान है और ये एक जब चांद पे पहुंच के ये सफल हो जाएगा तो हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ भारत हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने ये थीम तैयार किया है। हमारे साथ अंकित है, अंजलि है, मन्नू है, जय किशन है, और हम सब ने काफ़ी अच्छे से मेहनत किया और ये सेंड आर्ट तैयार किया है। मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। हम लोगों ने आज चंद्रयान का मॉडल बनाया है। हम लोगों को सुबह से बनाया है। हम लोग सुबह से अभी तक काफ़ी मेहनत किया है हम लोगों ने। 15 अगस्त को लेकर काफ़ी उत्साह है। जी 15 अगस्त को लेकर हमको काफ़ी उत्साह है। कितने लोगों ने? 6 लोग हैं हम लोग। अंजलि यादव। संगम नगरी प्रयागराज जहाँ हर कोई आज़ादी के पर जहाँ आज़ादी का जश्न मना रहा है, तो वहीं आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचकर जहां ध्वजारोहण किया, साथ ही ध्वज को सलामी दी, जिसके बाद रिजर्व पुलिस लाइन के बैंड पर जहां राष्ट्रीय गीत की धुन बजी और सब ने ध्वज को सलामी दी, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शहीदों की गैलरी का अवलोकन किया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जिस तरह से गरीबों को जहां गरीबी रेखा से मध्यम वर्ग में लाया गया, प्रधानमंत्री कार्य की उन्होंने सराहना करते हुए क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। एक शुभकामनाएं प्रयागवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों को दे रहा हूं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ से प्रदेश की जनता को संबोधित किया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास का हर 15 अगस्त हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अमृतकाल का स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जहाँ हर घर में तिरंगा फहराया गया था, और इस वर्ष भी हर घर तिरंगा फहराने का एक कार्यक्रम चला है, और राष्ट्रभक्ति की भावना जन जन में जागृत हो, इसके लिए मेरा देश मेरी माटी वीरों को वंदन और इस भूमि को नमन करने का जो कार्यक्रम चला है उसके क्रम में आज कई कार्यक्रम यहाँ पर हैं। यह ऐतिहासिक है। मैं आप सबको भी, सभी पत्रकार मित्रों को भी, सभी छायाकार मित्रों को भी, सभी बच्चों को, बड़ों को, माताओं बहनों को, नौजवानों को, किसानों को, सबको देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो संकल्प आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेने का आह्वान देशवासियों से किया है कि अब हमें राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा, हम ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे आपस में वैमनस्यता पैदा होती है, हम लोगों को एकजुट रखने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वह सब कुछ करेंगे, त्याग करेंगे, देश को मजबूत करेंगे, और यह जो विकासशील भारत है इसे विकसित भारत बनाएंगे, जो पांचवी अर्थव्यवस्था है इसे 3 दुनिया की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उसके बराबर ला करके 5 साल के अंदर खड़ी करेंगे, और बहुत बड़े बड़े आज घोषणा 13.5 करोड़ की संख्या में गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके उनके मध्यम वर्गीय श्रेणी में लाने का जो बहुत बड़ा काम हुआ है, जिस की जितनी प्रशंसा किया जाए वह कम होगी, मोदी जी के संकल्प शक्ति का और दिन रात पल पल और देश के लिए कपाने का और पाई पाई देश के लिए खर्च करने का जो संकल्प था उसका परिणाम। संगम नगरी प्रयागराज जहां 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में सैकड़ों किन्नरों ने जहां हनुमान मंदिर सेल्फी पॉइंट से तिरंगा यात्रा निकाली और सुभाष चौराहे पर पहुंचकर ध्वजारोहण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस बार आज़ादी का डबल जश्न मना रहे हैं, जहाँ 2014 में 370 हटी जिसके बाद हमने आज़ादी की सांस ली है, और आज हम इस पर्व को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और सभी को घर में तिरंगा लहराना
चाहिए और इस मौके पर क्या कुछ कहा है किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ ने, आइए दिखाते हैं आपको। आप किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य हैं, आगे इसमें किस तरह से आप किन्नरों के लिए काम करेंगे? जी जय श्री महाकाल। आज हम जितने भी किन्नर समुदाय के और ट्रांसजेंडर बच्चे लोग सभी को मिल के हम लोग ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज हमारा देश स्वतंत्र हुए 76 साल हुआ तो हम लोग ने बहुत हर्ष उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया और हम लोग ने सेल्फी पॉइंट से तिरंगा यात्रा निकाली और यहाँ सुभाष चौराहे में आके हम लोग ने तिरंगा फहराया। और हमारा ये करने का मेन उद्देश्य, हम लोग भी ये समाज के एक अभिन्न अंग है और समाज में जिस समाज में आप लोग रहते उस समाज के हम लोग भी हिस्से हैं, तो हम लोग में एक राष्ट्र भाव है। राष्ट्र के लिए यदि भारत माता हम लोग के लिए जान मांगेगी तो भी हम लोग जान देने के लिए तैयार है। अपने राष्ट्र सबसे जाति से या लैंगिकता से ऊपर उठ के हमारा राष्ट्र है, जब हमारा राष्ट्र है तभी हमारा अस्तित्व है। तो हम लोग सब कोई मिल के आज हम लोग ने आज़ादी का स्वतंत्र दिवस का हम लोग ने खूब हर्ष उल्लास के साथ मनाया और हम आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और सभी हमारे जनता को मैं स्वतंत्र 76वां स्वतंत्र दिवस के हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करता हूँ। जी नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ है। हम लोग ने 2014 में हम लोग को आज़ादी मिला था, 377 वाला धारा जो हट गई थी 2014 में, नहीं तो हम लोग को अपराध की श्रेणी में माना गया था, मगर 377 हटने के बाद हम लोग को भी स्वतंत्र मिला 2014 से। और आज हम लोग ने खुली आसमान में हम लोग अपने खुली सांस ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग एक हिंदुस्तानी नागरिक है, एक हमारे ये हमारे माँ है, भारत माँ है, तो हम लोग अपने माँ के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आज़ादी आज आप लोग मना रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारा देश तो आज़ाद हुआ और हमारे किन्नर समाज, हमारे ट्रांसजेंडर समाज भी आज़ाद हुआ है। जी जय श्री माता। पाक अधिकृत कश्मीर में तिरंगा फहराने के सवाल पर डिप्टी सीएम कुछ भी बोलने से बचते हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ भारतीय वहाँ तिरंगा फहर रहा है, वैसे तो पूरे विश्व में तिरंगा फहर रहा है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ तिरंगा फहरेगा। और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के आगे भी प्रधानमंत्री पद पर रहने का दावा किया और क्या कुछ कहा आइए दिखाते हैं। 15वीं बार भी करेंगे और आप विश्वास रखिए कि 16वीं बार भी आप 2029 में भी देखेंगे। उन्होंने कहा जनता को हिसाब भी देंगे। हाँ हिसाब देखिए, जनता को तो उन्होंने हिसाब दिया है और हिसाब तो हर नागरिक से पूछिए, हर गरीब और किसान और नौजवान और माताओं और बहनों से पूछिए, सबको इसका हिसाब मिल रहा है। देखिए जो जहाँ जहाँ लहराना है तिरंगा तो पूरी दुनिया में आज लहरा रहा है, पूरी दुनिया में लहरा रहा है, जहाँ भी भारतवासी वहाँ तिरंगा को लोग नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, लहरा रहे हैं, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। नगरी प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, प्रियंका गांधी पर हुई FIR को लेकर, साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज और सीएम योगी के ट्विटर से ब्लू टिक हटाने को लेकर क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से कांग्रेस पर साधा है निशाना। कि इस पर बहुत चर्चा रही उनके, इससे जनहित के मुद्दे भटकते हैं, समर्थन एक तरह से बीजेपी का किया उन्होंने। देखिए कांग्रेस का जो आचरण है और विशेष तौर से कांग्रेस के इस गांधी खानदान का आचरण है कि भ्रष्टाचार की बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी करने वाले, 12 लाख करोड़ का घोटाला करवाने वाले और अनेक भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर घूमने वाले ऐसे बयान देते हैं जो राजनीतिक शुद्ध रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए हैं, तो कोई भी ऐसा मुकदमा लिखाना किसी की अगर भावना को ठेस पहुंचता है तो अधिकार है, वो विधिक पक्ष है और लोगों ने जो लिखाया होगा मेरी जानकारी नहीं, मैं आपके सवाल के जवाब में दे रहा हूँ। लेकिन ऐसे बयान बिना मतलब जिम्मेदारी के कांग्रेस के द्वारा दिया जाना ये आदत बन गई। मायावती जी ने समर्थन किया है? नहीं, मायावती जी ने क्या समर्थन किया है उनके समर्थन का विषय नहीं है, वो समर्थन क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, अगर गलत का वह समर्थन करती हैं वेलकम। अब वो क्या है वो टेक्निकल चीज़ होगी, वो देखेंगे IT मिनिस्ट्री के लोग देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तिरंगा तो हमारे स्वाभिमान का, हमारे सम्मान का, हमारे पहचान का प्रतीक है और जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए देश की रक्षा के करते हुए अनेक हमारे वीर बांकुरे सैनिक बलिदान दे देते हैं,
उस तिरंगे से बड़ा हम लोगों के लिए कुछ नहीं। अच्छा, प्रियंका गांधी के ऊपर स्वतंत्रता दिवस पर जहां हर कोई आज़ादी के रंग में रंगा हुआ है, कहीं तिरंगा यात्रा निकल रही है तो कोई हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर घूमता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज जहां खरखौनी इलाके में ज्ञान इंटरनेशनल प्ले स्कूल में जहां बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम में प्रस्तुति दी, तो वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर संत प्रसाद पांडे ने ध्वजारोहण किया। तो वहीं इस मौके पर प्रेसिडेंट संतोष कुमार मिश्रा, माया मिश्रा व परिनेश मिश्रा भी मौजूद रहे और इस मौके पर बच्चों ने अलग अलग गानों पर अपनी प्रतिभा दिखाई। तो कोई फौजी के रूप में दिखाई दिया, तो कोई महात्मा गांधी के, तो कोई चाचा नेहरू के। ऐसे में बच्चों की प्रस्तुति देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आज ही आज़ादी मिली हो। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर जहाँ ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें बड़े से लेकर बच्चे तक शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जहां लोगों में उत्साह है और हर कोई अपने घर पर तिरंगा लगा रहा है, तो ऐसे में जहां प्रयागराज जंक्शन चौराहे के समीप तिरंगा फहराया गया था, 2019 के कुंभ के बाद यहां चौराहों पर तिरंगा लगा था और सूर्यास्त के बाद तिरंगा उतारने का प्रावधान है। तिरंगे का अपमान रात में ना हो इसके लिए नगर निगम द्वारा इसमें हाई मास्ट लाइट लगाई गई थी जिससे इसको रोशनी मिलती थी और तिरंगे का अपमान नहीं होता था। मगर स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे का अपमान होता दिखाई दिया, तिरंगा अंधेरे में फहरता दिखाई दिया और हाई मास्ट लाइट बंद दिखाई दी। ऐसे में तिरंगे का अपमान हुआ है और दूसरी तरफ जिम्मेदार अनजान है। ऐसे में क्या कुछ कहना था राहगीर का, आइए दिखाते हैं। नहीं जल्दी अंधेरे में फहर रहा है, ऐसे ही रोज रहता है, अंधेरा रहता है, ऐसे ही फहरता है। क्या नाम है? संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस अल्पसंख्यक नगर अध्यक्ष अरशद अली के नेतृत्व में आज कांग्रेसियों ने पुराने शहर में निकलकर पर्चा बांटा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस के साथ हैं, अगर दलित समाज भी कांग्रेस के साथ आ जाए तो बीजेपी को 2 सीटें भी नहीं मिलेंगी। साथ ही उन्होंने दलित बस्ती और मुस्लिम बस्ती में जाकर पर्चे बांटे हैं। कांग्रेस नेता अरशद अली के संग कई कांग्रेसी नेता और भी मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेस नेता अरशद अली ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही अरशद अली ने इस मौके पर पर्चा बांटते हुए क्या कुछ कहा है बीजेपी को लेकर, आइए दिखाते हैं आपको क्या कहना है पूरे मामले पर नगर अध्यक्ष अरशद अली का। ये उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शहनवाज आनंद के निर्देश में पूरे प्रदेश में आतंकवाद विभाग जय जवान जय भीम अभियान के तहत हम लोग दलित बस्तियों में जा रहे हैं और उनसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान भी कांग्रेस के अंदर आगे आए और दलित भाई भी हमारे कांग्रेस के साथ आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें हम लोग ला के फिर से रख देंगे। क्योंकि इस समय मौजूदा समय में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नीति बनाई है, इस नीति ने अल्पसंख्यक और दलितों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये आरक्षण खत्म कर दे रहे हैं, ये दलितों की जमीन जो पट्टे में इंदिरा गांधी जी ने दी थी उसका ये जो कानून बना था कि जिसमें दलित की जमीन से दलित खरीद सकता है, वो कानून को योगी सरकार ने खत्म कर दिया जिसमें अब कोई भी दबंग आदमी भी आके जमीन को ले सकता है। ये सब बातें हमें दलित भाइयों की नीति पर रखी है और बताया कि कांग्रेस पार्टी में जो पहले उनका वोट बैंक था दलित और मुसलमानों का, मुसलमान भी अब वापस अपने पुराने घर में आ गया है और दलित भाई भी अपने आप लोग पुराने घर में आइए कांग्रेस के साथ और 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए और ये तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करिए। मैं अच्छा खाली मानना करते हैं कांग्रेस पार्टी इलाहाबाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।